आज नवरात्रि का पहला दिन है या पहली रात है, और दसवें दिन होती है विजयादशमी दशहरा, यानी नौ दिनों का कुछ भी तो ताल्लुकात है, कुछ संबंध है इस जय के साथ, विजय के साथ। ये नवरात्रि के नौ दिन विजय की तरफ ले जाने वाले, विजय जय की तरफ नहीं, सिर्फ विजय की तरफ ले जाने। लेकिन ये नौ दिन है या नौ रातें विजय की तरफ ले जाती है? नौ रात्रि कहा जाता है, तो क्या रात्रियों का सिर्फ रात का ही संबंध है? बात है क्या, देवी की उपासना की जाती है अपने अपने तरह से, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग कुल के अनुसार, लेकिन कोई सोचता नहीं कि नौ रात्रि ही क्यों है, इन्हें नौ दिन क्यों नहीं कहा जाता? कोई कहते भाई रात को जागरण किया जाता है, लोग जागते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, गरबा खेलते हैं, जो भी है, इसीलिए नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। ओम जय प्रदाय नमः, ये नाम है इस नवरात्रि का, रहस्य हमारे सामने खोल देता है कि ये माँ राधा माँ ललिता है कैसे। ये जो राधा है, ये राधा है जयप्रदा, जय दिलाने वाली है। और ये जो नौ दिन है और ये जो नौ रातें हैं, इन नौ दिनों की खासियत यह है कि जब इन नौ दिनों में माँ राधा की, उस रामचंद्र जी की प्रार्थना की जाती है, तो वो बात क्या होती है भाई? प्रारब्ध मेरा कुछ भी हो, ये नौ दिन ऐसे होते हैं, ये नौ दिन और चैत्र महीने के 15 दिन, चैत्र महीने भी नवरात्र रहते हैं, चैत्र प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक, लेकिन वहां तो 15 दिन माने जाते हैं क्योंकि हनुमान जी का जन्म होता है चैत्र पूर्णिमा को। उन 15 दिनों में और इन 9 दिनों में इनका रहस्य भाई ये है, अगर हम जय पाने की कोशिश करें तो विजय प्राप्त होता है। देखिए, हम जय पाने की कोशिश करें तो विजय प्राप्त होता है, दूसरे दुनिया में अगर हम जय पाने की कोशिश करते तो जय मिले विजय की तो बात छोड़ो, जय के बदले पराजय मिलने की आशंका ज्यादा रहती। लेकिन ये 9 दिन और वो 15 दिन ऐसे है, दो बार आते हैं, 24 दिन एक साल में ऐसे होते हैं जहां अगर हम सच्चे दिल से जय पाने की कोशिश करें तो विजय प्राप्त होता है। मंदिर में जाकर देखिए, जिसको मानते हो उसके पास जाकर देखिए, इसी भावना से कि इच्छा और कृति मेरे एक साथ रहे, तो आपको अपने आप विजय मिल जाएगा। उस कृति को न होने से भी आपको विजय प्राप्त होगा। आप जो चीज करना चाहते हो, हम बार बार हमें लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े घर के कहते हैं, भाई जो भी अच्छा काम करना चाहते हो नवरात्रि में शुरू कर दो, चैत्र नवरात्र में शुरू कर दो, नहीं तो अश्विन नवरात्रि में शुरू कर दो। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 9 दिनों को और वहाँ के 15 दिनों को ये आशीर्वाद प्राप्त है माँ राधा का, माँ सीता का, कि यहाँ जो भी जश प्राप्त करने की कोशिश करता है, जय प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे विजय प्रदान होता है। लेकिन कब? जब उसने 9 दिन और 9 रात इस्तेमाल किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 दिन 9 रात में सोऊंगा नहीं, ये वाली बात नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ दिन नहीं रात भी, यानी क्या, सिर्फ प्रकाश नहीं अंधकार भी, यानी क्या, यानी कि जो मेरे पास है वो ही नहीं, जो मेरे पास नहीं है, ये अंधकार यानी अभाव, प्रकाश का अभाव ही अंधकार कहलाता है। यानी आज मेरे पास जो चीज है उसके लिए नहीं, जो चीज मेरे पास नहीं है ऐसी चीजों के लिए भी एक तो कोशिश करो, दूसरी बात है भगवान को थैंक्स कहो, जो उसने दिया है उसके लिए भी थैंक्स कहना, और नहीं दिया है उसके लिए भी थैंक्स कहो, कहना माँ मैं जानता हूं कि जो नहीं मिला है मुझे आज तक, मैं चाहता हूं लेकिन अब तक तूने नहीं दिया है, मैं जानता हूं ये मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए मैं आभारी हूं कि तूने नहीं दिया, तू जब देना चाहती है दे दे, हे प्रभु सीताराम अब तक जो तूने मुझे दिया है उसके लिए भी मैं थैंक्स करता हूं, और अब तक जो तूने मुझे नहीं दिया उसके लिए भी आभार प्रदर्शन कर रहा हूं।
भाव और अभाव दोनों हम समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, रात का दिन कर दो। आप कहेंगे भाई बापू दिन की रात करें, हाँ कर दो। कैसे करें? जो भाव है, जो मुझे मेरे पास है, सब कुछ भगवान को दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि घर किसी के नाम कर दो या बैंक के पैसे लाकर किसी पेटी में डालो, नहीं। कि दिल से कहो कि कम से कम ये 9 दिन तो भगवान, मेरा जो भी कुछ है सिर्फ भगवान के लिए। मैं अगर एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ खुद को तो भगवान के भजन ही गाऊंगा, पिक्चर देखना चाहता हूँ तो भगवान के पिक्चर देखूंगा, मैं कुछ गाना सुनना चाहता हूँ तो भगवान के गाने सुनूंगा। अगर मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ 9 दिनों में तो भगवान के लिए करूंगा। हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ खरीदना कर चाहते हैं इन 9 दिनों में, स्पेशली विजयादशमी के दिन। माना जाता है कि विजयादशमी के दिन अगर सोना लिया जाए तो बस सोना बढ़ता जाता है, वो सोना तो बढ़ेगा ही, उससे जाना जो है उस भगवान ने जो कहा हुआ है उस सोने की बात करो। ये 9 दिन में, सिर्फ विजयादशमी के दिन नहीं, ये 9 दिन में ये जो और यो को एक रूप करने की कोशिश करो। जो करता है, जो कोशिश भी करता है, वो विजय प्राप्त करता है, विजय हासिल करता है। जो भी मेरे पास है सब कुछ भगवान के लिए, ऐसा सोचो। अगर कुछ ना कुछ भगवान के लिए खरीदने की कोशिश करो। हम लोग खुद के लिए गहना अंगूठी ये वो कुछ सोना पुखराज ये वो खरीदते हैं, कभी सोचा है कि 9 दिनों में अगर माना गया कि खरीदने से कुछ फल प्राप्त होता है तो भगवान के लिए खरीदो ना भाई, कभी ये नहीं सोचा। चलना चाहता हूं तो भगवान के लिए चलूंगा, खाना चाहता हूं तो भगवान के लिए खाऊंगा, कम से कम 9 दिन। सोना चाहता हूं तो भगवान के लिए सोना चाहता हूं। ये भगवान मैं सो रहा हूं क्योंकि मैं कल सुबह फ्रेश उठकर तेरी सेवा करना चाहता हूं। इन 9 दिनों में और दूसरी चैत्र के 15 दिनों में जो भी करना है भाई, भगवान से भगवान के लिए करने की कोशिश करो। 365 डेज, 365 डेज है एक साल के, उसमें से सिर्फ 24 दिन, ज्यादा नहीं, कितना छोटा हिस्सा हो गया। उन दिनों में मुझे जो भी करना है भगवान के लिए करने की कोशिश करो। मन से कहो सचमुच, ऐसा नहीं करो किसी की चोरी करना है तो मैं भगवान तेरे लिए चोरी करना हूं, ये भगवान नहीं मानने वाला, ये बात छोड़। जो नीतिपूर्ण है वही करने की कोशिश करो और उस भगवान से नाम करो, भगवान के नाम से करो। यानी रात का दिन करो, दिन की रात करो, यानी जो भाव है उसका अभाव कर दो, भगवान सब कुछ तेरा। जो अभाव है सब कुछ उसका भाव रूप में प्रकट कर दो, तूने नहीं दिया वही सही है। और यही रहस्य है इस नवरात्रि का कि यहां की रात दिन जैसी है, यहां की रात जो है वो भी दिन जैसी है। वहां हम कहते हैं कि रात को जागना बहुत आवश्यक है, किस लिए? प्रभु का नाम सुमिरन करने के लिए। गरबा क्यों खेला जाता था? भगवान का नाम सुमिरन करने के लिए। तो ये नवरात्रि के दिनों में, इसलिए से नवरात्रि कहा गया कि यहां अभाव नहीं है, यह नवरात्रि है। रात्र रात्र नहीं होती, अभाव अभाव नहीं रहता, जिन 9 दिनों के कारण उन्हें नवरात्रि कहा गया। और उनकी अधिष्ठात्री है ये जयप्रदा। आप कहेंगे बापू आप तो विजय के बारे में बात कर रहे हैं और देवी का नाम जयप्रदा है। नहीं भाई, ये जय दिलाने वाली नहीं है सिर्फ, ये जयप्रदायिनी है, यानी नित्य जय। जय नित्य हो जाता है वही विजय हो जाता है, विशेष जय हो जाता है। तो ये जयप्रदा है, जयदा नहीं है, जयप्रदा है। इन 9 दिनों में और चैत्र के 15 दिनों में अगर हम सचमुच माँ भगवती की उपासना करना चाहते हैं तो उसे प्रतिमा को वंदन करें, नवरात्रि घर में रखें, सब कुछ करें, लेकिन एक कोशिश करें कि जम बीज और यम बीज, इच्छा बीज और क्रिया बीज, भाव और अभाव एकरूप हो जाए उस भगवान के चरणों।